नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में एबीपी ने निकाला आक्रोश मार्च, कहा ऐसे कृत्य से बिहार हो रहा है शर्मसार। ट्रक कार और जुगाड़ गाड़ी के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। और नए रेंज डीआईजी विवेकानंद ने पदभार किया ग्रहण, बेहतर विधि व्यवस्था को बताया पहली प्राथमिकता। गंगा स्नान करने के दौरान गहरे पानी में डूबी नवविवाहिता, 20 दिन पूर्व हुई थी शादी, घर में मचा कोहराम। और सैनिस कंपाउंड में गर्ल्स क्रिकेट प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई की ओर से नगर सहमंत्री शिवम झा के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री एवं बीपीएससी के चेयरमैन आर के महाजन का पुतला दहन किया गया। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीते रविवार को 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पूरे बिहार में आयोजित की गई थी, जिसका प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व ही वायरल हो गया था। और इस खबर के फैलते ही इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने तत्काल परीक्षा को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। वहीं इसको लेकर एबीवीपी की प्रदेश सहमंत्री स्मृति सिंह ने बताया कि ऐसे कृत्य से बिहार शर्मसार हुआ है और जब प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में प्रश्न पत्र सुरक्षित रखने के साथ परीक्षा संचालित की जाती है, तो फिर परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होना कैसे संभव हो गया। साथ ही कहा कि हमें उन अभ्यर्थियों के दर्द को समझना होगा जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी परीक्षा की तैयारी की, लेकिन बदले में उन्हें प्रश्न पत्र लीक होने से काफी निराशा हाथ लगी। इधर परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि विद्यार्थी परिषद इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही कहा कि बिहार सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि कभी 10वीं, कभी 12वीं तो कभी प्रतियोगी परीक्षाओं का पर्चा लीक हो जाता है। मौके पर राहुल, सूरज, अंशु, काजल सहित दर्जनों छात्र छात्रा उपस्थित थे। बांका के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत बनगांव के पास ट्रक, जुगाड़ गाड़ी और कार के बीच हुई आमने सामने के भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में कार सवार गोड्डा जिला माली फासिया निवासी सिंधु देवी, मंजू देवी एवं मनोज कुमार मंडल शामिल है, जबकि घायलों की पहचान अनिल सहानी और धीरज कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के शिकार सभी यात्री गोड्डा जिले से भागलपुर की ओर जा रहे थे, तभी रजौन बनगांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक महिला सिंधु देवी की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि अन्य 2 की मौत भागलपुर मायगन अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह दरवल के साथ रजौन सीएससी केंद्र पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। भागलपुर के नए डीआईजी विवेकानंद ने सोमवार को रेंज डीआईजी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। आईपीएस विवेकानंद को निवर्तमान डीआईजी सुजीत कुमार ने डीआईजी का पदभार सौंपा। वहीं डीआईजी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने नवनियुक्त डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान डीआईजी विवेकानंद ने कांडों का निष्पादन और क्षेत्र में बेहतर विधि व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जाम की समस्या को लेकर कहा कि जाम की समस्या पर भी काम किया जाएगा जिससे यातायात व्यवस्था सुगम हो सके। इस दौरान एसएसपी बाबूराम, नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज भी मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ गंगा घाट में डूबने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है, जिससे यहां आए दिन गंगा में डूबने की घटना होती रहती है। दरअसल ऐसा ही मामला मंगलवार की सुबह सामने आया, जब अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने अजगैवीनाथ गंगा घाट पर आई देवघर के जसीडी की रहने वाली नवविवाहिता खुशबू कुमारी अजगैवीनाथ गंगा घाट पर स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से डूब गई। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान करने के दौरान परिवार के ही 3 सदस्य गंगा में डूबने लगे, जिसमें से 2 सदस्यों को स्थानीय लोगों की मदद से डूबने से बचा लिया गया, जबकि गहरे पानी में चले जाने के कारण खुशबू कुमारी पर किसी की नजर नहीं पड़ी, जिसके कारण उसे नहीं बचाया जा सका। वहीं घटना को लेकर परिजन ने बताया कि खुशबू की शादी पिछले महीने 20 अप्रैल को हुई थी और परिवार के सभी सदस्य साथ गंगा स्नान करने अजगैवीनाथ गंगा घाट आए थे, लेकिन गंगा स्नान करने के दौरान गहरे पानी में जाने से खुशबू गंगा में डूब गई। साथ ही पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा गंगा घाट पर बैरिकेडिंग और बैनर पोस्टर नहीं लगवाए जाने के कारण श्रद्धालु
श्रद्धालुओं को गंगा के पानी की गहराई का सही पता नहीं चल पाता है, जिससे अक्सर गहरे पानी में जाने से लोग डूब जाते हैं। साथ ही कहा कि इस स्थान पर 24 घंटे SDRF की टीम की तैनाती होनी चाहिए, जिससे ऐसी घटना पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं फिलहाल खुशबू की तलाश के लिए SDRF टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि सोमवार को डूबे युवक विशाल कुमार का भी अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। पहले प्रशासन को बोलते तब निकलेगा लाश, ऐसा नहीं निकलेगा यहाँ काहे के लिए प्रशासन। कितना घंटा हुआ है ये डूबने से? ज्यादा नहीं, आधा घंटा से ऊपर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम था जो डूबा है? खुशी कुमारी। कहाँ की रहने वाली है? देवघर कॉलेज। आपका कौन है? बहन है। बहन है। तो हमें क्या घंटा बताया जो अब तक नहीं आई कोई भी टीम? कोई नहीं आया। वहाँ ऊपर मंदिर में कहे थे, मंदिर से दौड़ के आया एगो सर, उसके बाद बोलता हम फोन किए हैं, वो आएगा ये फोन करता है, इधर फोन करता, कोई नहीं आता है, सुनवाई नहीं करता सर। संवेद भागलपुर की ओर से गर्ल्स क्रिकेट टीम के प्रशिक्षण का शुभारंभ मंगलवार को समारोह पूर्वक किया गया। समारोह का उद्घाटन उप महापौर राजेश वर्मा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मेरी लता किस्कू, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी वासुकीनाथ मिश्रा, बाल कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष मधु रंजन कुमार और संवेद की अध्यक्ष छाया पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान संवेद की वर्षा ने कहा कि समता और स्वतंत्रता का अधिकार हमें देश के संविधान से मिला है, लेकिन समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों और महिलाओं के लिए चुनौतियां अब भी कम नहीं हुई है, और ऐसे में शिक्षा, खेल, रोजगार, विज्ञान और कला के क्षेत्र में भागीदारी करने की जरूरत है। समारोह को संबोधित करते हुए उपमहापौर राजेश वर्मा ने कहा कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों का घर से निकलकर खेल के मैदान तक आना काफी मुश्किल है, और इसी के कारण जिले में क्रिकेट के क्षेत्र में लड़कियों की उपस्थिति लगभग नगण्य है। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को राज्य और देश स्तर पर पहचान कायम करने की शुभकामनाएं दी। धन्यवाद ज्ञापन संवेद की नेहा ने किया। मौके पर विक्रम, डॉक्टर सुनील कुमार शाह, मनीषा, स्वीति प्रिया, सुनील मंडल समेत काफी संख्या में महिला खिलाड़ी और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। ये जो है ना, ये संवेद ने जो संवेद का कार्य क्षेत्र है उन गाँव में लड़कियों की क्रिकेट टीम खड़ी करने की योजना बनाई है, ताकि जो लड़कियां की भागीदारी बहुत क्षेत्रों में जो बराबरी की नहीं है, खेल में भी वो आगे नहीं है, खेल में भी जिला लेवल पर भी लड़कियों की कोई वैसी टीम है नहीं, और राज्य स्तर की तो बात ही आप छोड़ दें। तो हम लोगों की योजना है कि खेल में उनकी भागीदारी करके और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके हम लोग उनको मतलब एक सशक्तिकरण करके ही हम लोग समानता की तरफ बढ़ सकते हैं। इस सोच के साथ हम लोगों ने उनको इस टीम में लाया है, और हम लोगों की योजना है कि इस तरह की टीम हम लोग अपने सारे कार्य क्षेत्र में बनाएं और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें ताकि वो राज्य स्तर पर, देश स्तर पर खेल पाए। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। एक आवश्यक सूचना, यह बच्चा गूंगा है और 5 मई 2022 की सुबह 6 बजे से लापता है, जिसका नाम राज है। पिता का नाम इम्तियाज कुरैशी, उम्र 12 वर्ष, रंग गोरा है। बच्चे ने भूरे रंग का टी शर्ट एवं हरे रंग का ट्राउजर पहना है, जो चंबेली चक रोड मौलाना चक भागलपुर बिहार का निवासी है। बच्चे की जानकारी मिलने पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सूचित करने की कृपा करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में चोरी और छिनतई की घटना मानो आम बात हो गई हो, सड़कों पर घूम रहे झपटमार अब राहगीरों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला जोगसर थाना क्षेत्र के राधा रानी सिन्हा रोड का है, जहां एक महिला से दो बाइक सवार झपटमार ने सोने की चैन की छिनतई कर ली। पीड़ित महिला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गुरट्टा चौक निवासी शाहजहां आलम की पत्नी सगुफ्ता प्रवीण बताई जा रही है। मामले को लेकर पीड़ित महिला का कहना है कि वह मंगलवार की दोपहर आकाशवाणी स्थित बजाज फाइनेंस कंपनी
कंपनी का कार्ड बनवाने जा रही थी, तभी दो बाइक सवार झपटमारों ने उनके गले से सोने का चैन छीन लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जोगसर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक चोर चैन छीन कर फरार हो गया था। पीड़ित महिला ने चैन छिनते की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आगे की कार्यवाही कर रही है। आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी आईपीएस अधिकारी के पिता से इसी रोड में लाखों रुपए की छिनतई हुई थी, जिसके बाद ये दूसरी घटना है। बहरहाल दिन दहाड़े इस तरह की घटना से पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दो बाइक से लड़का चैन चोरी करके भाग गया, आगे बजाज कैपिटल के ऑफिस में उसको खाजा पे जाना के आप कहाँ जा रहे थे? हम बजाज के ऑफिस में जा रहे थे। उस वक्त बाइक पे सवार होकर के आया? कितने लोग? दो वो बाइक से था, पीछे वाला घिस के भाग गया। चैन क्या था? सोना का या चांदी? सोना का था। कितने भर गए? सब में दो भर गए। कीमत लगभग 80,000 रुपया होगा। कहाँ आई है अभी? इधर। अभी कहाँ आए हैं? अभी थाने में आए हैं ना। आपका घर कहाँ है? करिया रहमानपुर। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने के लिए आवाज उठाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत आम लोगों एवं किसानों को परेशान कर रही है, जबकि महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुँच गया है। साथ ही कहा कि बिना रिश्वत दिए कोई कार्य नहीं होता है और कांग्रेस पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करेगी। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि किसानों के खाद की कालाबाजारी हो रही है और महंगाई चरम सीमा पर है, जिसके खिलाफ वह चुप नहीं बैठने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के तमाम समस्याओं पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री से बात कर समस्याओं की जानकारी देंगे, जिससे अविलंब समाधान किया जा सके। इस दौरान कई नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा गया, जिन्हें अजीत शर्मा ने सदस्यता दिलाई। मौके पर जिलाध्यक्ष प्रवेश कुमार, डॉक्टर अभयानंद, विपिन बिहारी यादव, प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह समेत काफी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने धरना पर कार्यक्रम सभी प्रखंडों में किया है। महंगाई चरम सीमा पर, आप जैसा जानते हैं, किसी चीज की कीमत सही नहीं है, चाहे पेट्रोल डीजल का लीजिए, किसानों की कालाबाजारी खाद का ले लीजिए, किसान त्रस्त है। कोई विकास आप देखिए, सड़क का हालत जो लूट हो रहा है, अभी अभी ये लोग बता रहे थे कि प्रखंड कार्यालय में कोई भी व्यक्ति चला जाए, कोई गरीब व्यक्ति भी, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, रोजगार कहीं मिल ही नहीं रहा। आदरणीय नरेंद्र मोदी चुनाव समय जो बोले थे 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, रोजगार दोना तो बात छोड़िए, बेरोजगार हुए हैं उससे अधिक लोग। इसलिए जनता त्राही माम में है। महंगाई से आप देख रहे हैं गैस का कीमत क्या है, जिस समय 400 रुपया था उसमें आदरणीय मंत्री स्मृति ईरानी जी लेके घूमते थे कि महंगाई चरम सीमा पर है, और लोग कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार। अभी मोदी सरकार, और मोदी सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ उद्योगपतियों का पॉकेट भरने का काम किया है। भागलपुर सुल्तानगंज के अशोका गार्डन में जन संसद संरक्षण अजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजगैवीनाथ गंगा घाट में लगातार हो रही डूबने से मौत की घटना को लेकर जिला प्रशासन से अजगैवीनाथ गंगा घाट पर रोजाना सुबह 4 बजे से SDRF टीम की तैनाती करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत कुमार ने कहा कि गंगा घाट में जाली लगाकर बैरिकेडिंग करने के साथ गंगा रक्षक दल की नियुक्ति की जाए, जिससे गंगा में डूबने की घटना पर लगाम लगाकर समय रहते ही लोगों को डूबने से बचाया जा सके। साथ ही अगपानी पुल निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर संदेह जताते हुए इसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। वहीं जन संसद के सदस्य सह वार्ड पार्षद मोहम्मद इजराइल ने कहा कि सुल्तानगंज रेफर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर उषा देवी का ऑडियो वायरल होने के मामले की जिला प्रशासन निष्पक्ष जाँच कराकर दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही करे, जिससे आम लोगों को अस्पताल में भय और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। साथ ही सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में नया प्रभारी बनाने की भी मांग की गई। मौके पर जन संसद के कार्यकर्ता अफरोज आलम, नीरज कुमार, विभूति यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गंगा नदी में स्थायी बैरिकेडिंग हो, गंगा रक्षक दल नियुक्त किया जाए, SDRF को प्रतिदिन सुबह के समय में गंगा घाट पर ड्यूटी दी जाए। दूसरी जो हम लोगों की मांग है कि जो पुल है, पुल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और पुल किस कारण से गिरा ये जनता को बताया जाए, और जितने पाए हैं उनके निर्माण कार्य की, एक एक पुल की निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाए, और जो अस्पताल सुल्तानगंज सरकारी अस्पताल में
जो लड़ाई चल रही है दो खेमों के बीच में, हम लोग सुल्तानगंज के लोग चाहते हैं कि इस खेमेबंदी को सीएस से यह आग्रह होगा कि इस खेमेबंदी को बंद किया जाए। सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है भ्रष्टाचार का मामला, प्रथम दृष्टिया ये स्पष्ट होता है जब सुनते हैं ऑडियो, तो ऑडियो से स्पष्ट होता है कि ये ऐसा लगता है कि प्रभारी का ही ये ऑडियो है जो उषा कुमारी वर्तमान में है। और अब ये तकनीकी जांच की बात है, अब तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये संलिप्त है अथवा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला पूर्व से लगातार अस्पताल परिसर में जारी है। भागलपुर सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ मोड़ पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पहुंचने पर मस्ती की पंचायत समिति सदस्य राजेश विंद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला और बूके देकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुकेश सहनी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बताया कि उनकी पार्टी पूरे लगन और मेहनत के साथ क्षेत्र में काम कर रही है, जबकि बीपीएससी एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर कहा कि जो कभी नहीं हुआ वह बिहार में अब हो गया है। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी दोषी हैं उसे सजा होनी चाहिए। मौके पर जिलाध्यक्ष अब्दुल हसन, दिनेश बिंद, ब्रह्मदेव चौधरी, कालीचरण बिंद समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। चाहिए था जो काम कभी नहीं हुआ वो काम बिहार में हो गया, बीपीएससी जैसे पेपर लीक हो गया, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो पदाधिकारी दोषी है, जो कर्मचारी दोषी है वो सबको सजा हो और वो तो गलत हुआ है, इसके लिए युवा का भविष्य अधिकार में है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को इस पर एक्शन लेना है। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवई गांव के समीप मंगलवार को चांदन नदी में स्नान करने गए एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के रुपेश सिंह का 8 वर्षीय पुत्र अंकुर कुमार सिंह घर से अकेले ही चांदन नदी में स्नान करने गया था, जहां वह स्नान करने के दौरान नदी से जेसीबी द्वारा बालू निकासी से बने बड़े गड्ढे में चले जाने के कारण पानी में डूब गया। वहीं अंकुर को डूबता देख अपने पुत्र को स्नान करने ले गई उषा देवी ने अंकुर को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद उषा देवी ने घटना की जानकारी गांव वालों को दी, लेकिन ग्रामीण के पहुंचने से पहले अंकुर पानी में डूब चुका था। हालांकि ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकालकर इलाज के लिए रेफर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांका के धौरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत फत्तूचक गांव में आयोजित 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ एवं प्रवचन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। यज्ञ के दूसरे दिन रुद्री पाठ, गौरी गणेश, शिव पार्वती और भगवान विष्णु सहित विभिन्न देवी देवताओं के आह्वान के साथ पूजा कर हवन किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रों से पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया, जबकि महायज्ञ को लेकर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं में काफी आस्था और उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इसके अलावा सोमवार के शाम रुद्र महाआरती का आयोजन काशी से आए कथा व्यास ओम प्रकाश जी महाराज की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मौके पर बाल किशोर मंडल, शशिकांत मंडल, निरंजन मंडल, पंचानंद समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में एबीपी ने निकाला आक्रोश मार्च, कहा ऐसे कृत्य से बिहार हो रहा है शर्मसार। ट्रक कार जुगाड़ गाड़ी के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। और नए रेंज डीआईजी विवेकानंद ने पदभार किया ग्रहण, बेहतर विधि व्यवस्था को बताया पहली प्राथमिकता। गंगा स्नान करने के दौरान गहरे पानी में डूबी नवविवाहिता, 20 दिन पूर्व हुई थी शादी, घर में मचा कोहराम। और सैनिस कंपाउंड में गर्ल्स क्रिकेट प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।